हेलो और आप सबको स्वागत है मेरा एक नया सा ट्यूटोरियल में। और यहाँ पे मैं ये जो मेरा चैनल है ये कम्प्लीटली आपका सॉफ्टवेयर का अपडेट मैं देता हूँ, कुछ टेक्निकल चीज़ का अपडेट देता हूँ, कुछ गैजेट्स का अपडेट देता हूँ। आपका कोई ऐप हो, कोई सॉफ्टवेयर हो, कोई भी चीज़ हो तो जो नया आता है तो मैं इसको अपडेट देता हूँ। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए ताकि बहुत सारे लोगों को फ्री में कुछ सीखने को मिल सके। और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो बेसिक थिंग है। हमारा जो आपका पीजीडी से हो या डीसी हो, कोई भी कोर्स में आपको बेसिकली दिया जाता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सब वगैरह दिया जाता है जो कि माइक्रोसॉफ्ट का टूल्स है। तो मैं आज आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पे जो मेरा है, मैं जो जिस सॉफ्टवेयर में अभी आपको सिखाने वाला हूँ वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का 2007 का वर्सन है। आप अदरवाइज़ कोई भी माइक्रोसॉफ्ट का डाउनलोड कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के कुछ ट्यूटर्स सॉरी कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि माइक्रोसॉफ्ट में अवेलेबल हैं, ये आप उसको डाउनलोड करके भी सीख सकते हैं। तो देखिए, पहले तो आपको यहाँ पे जाना है ऑल प्रोग्राम्स, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का वर्ड 2007 है, मैं इसको क्लिक कर दिया। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक बेसिक टाइपिंग का सॉफ्टवेयर है, या आप इसको कह सकते हैं कि बेसिकली अगर हम लोग कंप्यूटर सीख रहे हैं तो पहले आपको मेरे ख्याल से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ही सीखना है, बिकॉज़ इट इज़ ए वेरी एसेंशियल सॉफ्टवेयर्स। एंड आपका टाइपिंग के लिए, हैंड को स्पीड करने के लिए, टाइपिंग हेड्स, आप अगर कहीं पे टाइपिंग करना चाहते हैं, कहीं पे डाटा एंट्री करना चाहते हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और एक्सेल आपको दोनों ही सीखना पड़ेगा। तो देखिए, हाँ, तो अगर मैं आपको पहले वर्ड के बारे तो पहले अगर आप इसको ओपन करते हैं तो एक नया डॉक्यूमेंट आपके सामने ओपन हो जाता है ऑलरेडी। तो पहले क्लास में मैं आपको सिखाता हूँ कि अगर आपको कोई नया फाइल बनाना है ये तो ऑटोमेटिकली डॉक्यूमेंट आ जाता है, लेकिन अगर आपको कोई नया फाइल चाहिए तो फाइल न्यू कर सकते हैं आप, ताकि आपको यहाँ पे पूछेगा, यहाँ पे कुछ देखिए नया करने के बाद यहाँ पे लिखा है ब्लैंक एंड रिसेंट इंस्टॉल टेम्पलेट। तो टेम्पलेट के बारे में बाद में बताऊँगा आपको क्या होता है ये चीज़। और यहाँ पे हम सिंपल प्रोसेस में यहाँ पे ब्लैंक एंड रिसेंट करके ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर देते हैं, तो यहाँ पे एक नया वर्ड आपका खुल जाता है। तो मेरे पास ये ऑलरेडी खुला हुआ है। तो इसको दूसरा चीज़ आपको सीखना है कि फाइल एक अगर हमने बना लिया तो इसमें क्या होता है कि ऑलरेडी यहाँ पे देखिए एक ब्लिंक आ रहा है। ब्लिंक मतलब हम लोग यहाँ पे टाइप शुरू कर सकते हैं। सपोज हम कुछ भी टाइप करते हैं तो यहाँ पे ये टाइप हो जाता है, ये आपको कीबोर्ड से ही टाइप करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कीबोर्ड पे आपने टाइप कर दिया और यहाँ पे कुछ फॉन्ट्स हमने देख लिया, इसको हम लोग जनरली प्रैक्टिकली हम लोग बोलते हैं टेक्स्ट, और आपका कंप्यूटर में इसको बोला जाता है फॉन्ट भी बोल सकते हैं आप। तो अगर कुछ भी मैंने टाइप कर लिया तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो लिखा है कैलिबरी बॉडी, तो यहाँ पे मैं अगर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे बहुत सारे फॉन्ट्स मुझे मिल जाते हैं। यहाँ पे डाउन डाउन आइए तो यहाँ पे बहुत सारे फॉन्ट मुझे मिल जाते हैं। तो कोई भी फॉन्ट को मैं यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ, जैसे कि कोई भी स्टाइल हो, या आप और एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक कीजिए, बस अपना कोई भी फॉन्ट आप सिलेक्शन कर सकते हैं, तो उसी फॉन्ट आपको वो वाला फॉन्ट आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे दूसरा चीज़ है फॉन्ट का साइज, यहाँ पे आप बड़ा कर सकते हैं या छोटा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप कोई भी साइज़ को चूज कर कीजिए, तो ओके कीजिए, तो ये बड़ा छोटा हो जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है क्या कि आप जब नया शुरू करते हैं तो क्या होता है, कई बार मैंने देखा है लोगों को वो कुछ टाइप कर लेते हैं और टाइप करने के बाद वो यहाँ पे सिलेक्शन करने में लग जाते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं आता है। बिकॉज इफेक्ट क्यों नहीं आता है, क्योंकि आपका कौन सा पार्ट का चेंज करना है ये वाला आपने मेंशन ही नहीं किया सॉफ्टवेयर को। तो पहले क्या करना है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा सपोज मैं इसको ये टोटल फॉन्ट लाइन का फॉन्ट को चेंज करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, लेफ्ट क्लिक, यहाँ पे ड्रैग कीजिए, ऐसा एक लाइन आपको आ जाएगा, ऐसा एक बॉक्स करके आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने टोटल सिलेक्शन कर दिया। या अगर यह पहले पहले मैंने देखा है बच्चों को ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है
तो आप और एक काम भी कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक कीजिए, कहीं पे भी आपको करना है तो शिफ्ट दबा लीजिए कीबोर्ड में, और जहाँ जहाँ तक मुझे करना है वहाँ तक क्लिक कर दीजिए, तो ऑटोमेटिकली ये वाला चीज़ सिलेक्शन हो जाएगा। समझ में गया? तो पहले देखिए मैं इसको सिलेक्शन कर लेता हूँ। तो कोई भी फॉन्ट मुझे यहाँ पे चाहिए तो फॉन्ट चेंज कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं स्टाइल भी आपका सॉरी फॉन्ट का साइज़ भी चेंज कर सकता हूँ। तो देखिए इसको एक बार अगर आपका फाइल बन जाए तो बेसिकली मैं यहाँ पे आपको वर्ड का एक डॉक्यूमेंट खोलना, डॉक्यूमेंट कैसे बनाना है वो वाला चीज़ बता दिया। अभी डॉक्यूमेंट को मुझे सेव करना है, तो सेव कैसे करना है, तो फाइल यहाँ पे देखिए सेव या सेव एज का ऑप्शन आता है, पहले मैं सेव ऑप्शन दबा देता हूँ। तो सेव में यहाँ पे मुझे पूछेगा कि कहाँ पे मुझे सेव करना है। तो यहाँ पे मैं बेसिकली आपको अभी जैसा कि आप अगर वर्ड सीख रहे हैं तो आप बेसिकली न्यू कमर हैं, तो इसलिए सिंपली आप डेस्कटॉप को सिलेक्शन कीजिए, और ये फाइल का नेम पूछ रहा है तो फाइल का नाम मैंने कुछ दे दिया, सेव एज टाइप वर्ड डॉक्यूमेंट एंड सेव, तो ये ऑटोमेटिकली सेव हो गया है। अभी देखिए मैं अगर एक बार क्लोज़ करके चला जाता हूँ, फिर दूसरे दिन आता हूँ और यहाँ पे मैंने वर्ड स्टार्ट कर दिया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऑफिस वर्ड, तो यहाँ पे फाइल ओपन, मैंने कल बनाया था डेस्कटॉप में सपोज कुछ फाइल बनाया था डेस्कटॉप, यहाँ पे देखिए 12 ओपन, ओपन करने से कर देने से वो वाला फाइल मेरे पास ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि आप अगर कहीं पे भी फाइल स्टोर करते हैं, जैसा कि मुझे पता है कि मैं डेस्कटॉप में ये फाइल रखा हुआ हूँ, तो इस पर अगर आप डबल क्लिक कर लीजिए, डबल लेफ्ट क्लिक कर दीजिए तो ओपन हो जाता है, या और एक चीज़ है राइट क्लिक कीजिए ओपन कीजिए, इसको कोई भी डॉक्यूमेंट हो राइट क्लिक कीजिए ओपन कीजिए तो ओपन हो जाएगा, डबल लेफ्ट क्लिक या राइट क्लिक ओपन तो ओपन हो जाता है फाइल। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको प्रीवियसली बता दिया था कि फॉन्ट का आपको यहाँ पे फॉन्ट का स्टाइल चेंज करना है, यहाँ पे आपको फॉन्ट का साइज चेंज करना है, यहाँ पे देखिए एक चीज़ है बोल्ड, बोल्ड करके जो बोल्ड होता है लेटर, देखिए इसमें आपको ये तो स्टैंडर्ड बोल्ड साइज है, तो मैं और एक एरियल का एक फॉन्ट है, सेकंड दीजिए मुझे, एरियल एरियल का फॉन्ट है, इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ, तो बोल्ड करने से थोड़ा सा मोटा हो जाता है टेक्स्ट। ठीक है, और उसके बाद है इसका शॉर्टकट भी याद रख लीजिए, कंट्रोल बी, अगर आप कीबोर्ड से भी कंट्रोल बी दबा देते हैं तो ऑटोमेटिकली ये बोल्ड हो जाता है, और बोल्ड को वापस सपोज मैंने बोल्ड कर दिया और मुझे नहीं चाहिए तो वापस आने के लिए फिर से मैं इसको क्लिक कर सकता हूँ या कंट्रोल बी दबा देता हूँ तो ये बोल्ड हट जाएगा। वैसे ही इटैलिक कंट्रोल आई, इटैलिक के लिए कंट्रोल आई और अंडरलाइन के लिए कंट्रोल यू, तो ये टेक्स्ट को ये इतना तक मुझे अंडरलाइन करना है तो कंट्रोल यू, सपोज मुझे यहाँ तक चाहिए तो इसको सिलेक्शन कर दिया, ये दबा दिया तो ये ऑटोमेटिकली अंडरलाइन हो गया। ठीक है, मैं जिस तरह से बता रहा हूँ आप लोग उसी तरह से ही प्रैक्टिस कीजिए सो दैट आप लोग जल्दी से जल्दी सीख सकें। ठीक है, सपोज मैं एक लाइन आपके लिए लिख देता हूँ, देयर इज ए बिग फोर्स इन सॉरी इन द जंगल। देखिए वर्ड का एक पॉजिटिव पॉइंट क्या है कि अगर मैं कुछ लिखता हूँ तो वो ऑटोमेटिकली स्पेलिंग मुझे सजेस्ट कर देता है। सॉरी, अगर हॉर्स को मैंने सपोज गलती से जो आर एस लिख दिया तो ये ऑटोमेटिकली मुझे, सॉरी हॉर्स तो है आपका तो हो जो तो कुछ भी लिख दिया तो ये देखिए ये मुझे अंडरलाइन दिख रहा है कि यहाँ पे ये वाला स्पेलिंग कुछ मौजूद नहीं है, तो इसको देखिए आप यहाँ से आपको थोड़ा सा मैं यहाँ पे देखिए आपका जूम का बटन है तो ये वाला 90% है, ये जूम आउट के लिए, माइनस करेंगे तो डॉक्यूमेंट छोटा होता जाएगा और प्लस कीजिए तो ये डॉक्यूमेंट बड़ा होता जाएगा और आपको ज़्यादा नज़र आ जाएगा। देखिए देयर इज़ ए बिग हॉर्स इन द जंगल, तो सपोज इसको मैं अगर टेक्स्ट का कुछ कलर चेंज करना चाहता हूँ तो यहाँ पे कलर दिया गया है, यहाँ पे कलर करके आप कोई भी कलर को चूज कर सकते हैं, जो भी कलर हो यहाँ पे क्लिक कीजिए, लेकिन याद रहे हमेशा कि जिसको भी आप कलर करना चाहते हैं वो वाला सिलेक्शन होना चाहिए,
तो सिलेक्शन कर दिया यहाँ पे, कोई भी कलर आप दे सकते हैं, अदरवाइज यू कैन गो फॉर, यहाँ पे क्लिक कर दिया मोर कलर्स, यहाँ पे कोई भी कस्टम कलर आपका चाहिए जो कि वहाँ पे नहीं है तो उसको लेके भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये रह गया आपका फ़ॉन्ट का कलर। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे एक चीज़ है, ये तीनों तो बता दिया था आपको, ये वाला चीज़ जो है इसको सिलेक्शन कीजिए, यहाँ पे क्लिक कीजिए, ये इसको बोलते हैं स्ट्राइक थ्रू। तो लेटर के ऊपर आपका टोटल जहाँ पे भी आप सिलेक्शन करते हैं वहाँ पे एक ऐसा लाइन करके आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक दिया है ये वाला दोनों चीज़, ठीक है। आपको पता होगा इसको बोलते हैं एक्चुअली सबस्क्रिप्ट एंड सुपर स्क्रिप्ट। तो सपोज़ मैं लिखता हूँ, आपको पता है अपने साइंस में अगर लिखा होगा H2O, तो H2O करके हम लोग अगर लिखते हैं तो ये टू साइड में आ जाता है उसका। तो इसको अगर मुझे छोटा बना के, जैसा कि हम लोग हाइड्रोजन का लिखते हैं, तो इसको लिखना है नीचे ऐसे, H के नीचे टू आ जाएगा। तो इसको सबस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट मुझे बना देना है। सबस्क्रिप्ट बना देने से ये वाला देखिए, ये वाला H2O आपका लिखा लिख गया, ठीक है। वैसे ही आप अगर x का स्क्वायर लिखना चाहते हैं तो X2 ही अप्लाई करेंगे, लेकिन 2 को अगर सिलेक्शन करते हैं और सुपरस्क्रिप्ट कर देते हैं तो ये आपका सुपरस्क्रिप्ट हो जाएगा और X2 आपका आ जाएगा X2, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए और एक ऑप्शन है यहाँ पे चेंज केस। चेंज केस ये क्या होता है कि अगर कुछ देखिए यहाँ पे मैं चेंज केस करता हूँ, अपर केस कर देता हूँ। तो देखिए सारा जो मैंने लिखा था लोअर केस उसमें थे, अपर केस थे, तो लोअर केस अपर केस ये दोनों चेंज हो गए, ठीक है। सब अपर केस हो गया, सब लोअर केस, तो ऑल थिंग्स आर इन लोअर केस। तो यहाँ पे और एक चीज़ है कैपिटलाइज ईच वर्ड, तो ईच वर्ड का फ्रंट को वो कैपिटल लेटर बना देता है। ये जो आपका बी है ये इसको बोलते हैं कैपिटल बी और स्मॉल बी, ठीक है। तो अपर केस मतलब कैपिटल लेटर्स और लोअर केस मतलब आपका छोटा लेटर्स जो है। और वैसे ही आप इसको बुक कर सकते हैं कैपिटलाइज ईच वर्ड, वैसे सेंटेंस केस, सेंटेंस केस मतलब वो पहले वाला वर्ड आपका, पहले वाला जो वर्ड का फर्स्ट लेटर है वो बड़ा हो जाएगा और सब छोटे आ जाएंगे, समझ में आ रहा है। तो ये हो गया ये वाला ऑप्शन, ठीक है। और आपका दूसरा जो ऑप्शन है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ ऑप्शन है जो कि मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बता दूंगा, पहले आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिए। जैसा कि मैंने बताया था यहाँ पे आप फॉन्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और ये है देखिए, ये इंक्रीज साइज और डिक्रीज साइज का यहाँ पे भी दिया गया है, और इसको आप ऐसे भी दबा के कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ पे कोई भी फॉन्ट को सिलेक्शन कीजिए और यहाँ पे साइज दे दीजिए तो ले जाएगा। तो ये वाला चीज़ मैंने अप्रोक्सीमेटली आपके लिए ख़त्म कर दिया है। और यहाँ पे एक चीज़ है क्लियर फॉर्मेटिंग, ये आपको बाद में बताऊंगा जब हम लोग फॉर्मेटिंग पे आएंगे, तो कोई भी फॉर्मेटिंग हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं पहले से, तो ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो बस इतना ही आज के लिए, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊँगा ये सब जो क्या क्या ऑप्शन यहाँ पे हैं, ये सब मैं आपको बता दूंगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे विथ मी। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को। थैंक्स।